देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। तपती धूप और लू से लोग परेशान हैं। गर्मी ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली NCR समेत यूपी, बिहार और राजस्थान में तापमान अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इस बीच मौसम को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून से पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनता दिख रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 22 मई के आसपास बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर इसकी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने बताया है कि कम दबाव का क्षेत्र मॉनसून को अंडमान सागर और उससे सटे बंगाल की खाड़ी के ऊपर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हालांकि इसके केरल में मॉनसून की शुरुआत पर कोई असर नहीं दिखेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि इससे उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात और इसके आसपास के राज्य प्रभावित होंगे। वहीं मौसम विभाग ने इस मौसम पैटर्न के बाद में चक्रवात में बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया है, क्योंकि मई को चक्रवात निर्माण का महीना माना जाता है। IMD ने कहा है कि ये चक्रवात में तब्दील होगा या नहीं, इसकी पुष्टि करना अभी जल्दबाजी होगी। अगर कोई चक्रवात बनता है तो मॉनसून की प्रगति पर इसके प्रभाव का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये इसके मार्ग और तीव्रता पर निर्भर करेगा। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक इस प्रणाली में चक्रवात बनने की काफी संभावना है, लेकिन इससे मॉनसून की प्रगति में बाधा आने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि बंगाल की खाड़ी में ये तूफान धीरे धीरे चक्रवात में बदल सकता है। जब ये बनेगा तो इससे मॉनसून की प्रगति बाधित होने की संभावना नहीं है, बल्कि ये केवल इसकी प्रगति में मदद करेगा। आपको बता दें कि एक तरफ देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केरल समेत कई राज्यों में IMD ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 20 से 23 मई तक के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज गर्म हवाएं चलने की आशंका है। इस सप्ताह दिल्ली का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। IMD के मुताबिक पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहर जारी है। मध्य भारत और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत में दो दिनों के बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, विशेष रूप से तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कुछ दिनों में भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि तमिलनाडु और केरल में इसी समय के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।